दोस्तों, अगर आप भी हार्दिक पांड्या को दुनिया का सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नताशा से तलाक के कुछ दिनों बाद ही हार्दिक के जीवन में आया नया जीवन साथी बहुत जल्दी नताशा से भी अधिक खूबसूरत लड़की से दूसरी शादी करने जा रहे हैं हार्दिक पांड्या। इस लड़की से शादी करने के चक्कर में नताशा से तलाक लिए हैं। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार हार्दिक पांड्या कब दूसरी शादी करेंगे? कौन है वो लड़की जो हार्दिक पांड्या की बनने वाली है दूसरी पत्नी? सच में क्या हार्दिक पांड्या इस लड़की से दूसरी शादी करेंगे? सब कुछ हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या को दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, हाल ही में वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप जीत कर आई टीम इंडिया के अहम सदस्य हार्दिक पांड्या की जिंदगी में बीते कुछ दिनों से काफी उथल पुथल मची है। IPL 2024 के दौरान जब उन्हें मुंबई इंडियंस की कप्तानी मिली तो वानखेड़े स्टेडियम में उनकी जमकर हुटिंग हुई। उनकी कप्तानी में टीम का प्रदर्शन भी खराब रहा। इसी दौरान हार्दिक पांड्या और उनकी पत्नी नताशा के बीच तलाक की खबर भी काफी ज्यादा चर्चा में रही। हालांकि हार्दिक पांड्या ने T20 वर्ल्ड कप में अच्छा प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन इसके बाद गुरुवार को श्रीलंका दौरे के लिए हुई टीम की घोषणा में उनके हाथ से कप्तानी और उपकप्तानी दोनों चली गई। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने खुद पोस्ट कर बताया कि उनका पत्नी नताशा स्टैनकोविक से तलाक हो गया है। आपको बता दें कि IPL 2024 के दौरान उनके पत्नी नताशा स्टैनकोविक के बीच मतभेद हो गया था। दोनों के बीच अनबन की खबरें आई थी। यही नहीं, पिछले कुछ वक्त से नताशा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी हार्दिक पांड्या के साथ कोई भी तस्वीर शेयर नहीं कर रही थी। वर्ल्ड कप 2024 से पहले से दोनों को साथ नहीं देखा गया। नताशा वर्ल्ड कप में हार्दिक को चीयर करने भी स्टेडियम में एक भी मैच के लिए नहीं पहुंची। इतना ही नहीं, वर्ल्ड कप जीतकर जब हार्दिक पांड्या अपने घर वापस लौटे थे तब भी उनकी पत्नी उनके साथ नजर नहीं आई थी। दरअसल अनंत अंबानी की शादी में भी हार्दिक के साथ उनकी पत्नी नताशा नजर नहीं आई, जिसके बाद लोगों ने ये मान लिया कि हार्दिक और नताशा के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। दोनों की तलाक की खबरें लगभग सही होती नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बावजूद हार्दिक पांड्या ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए 18 जुलाई को ऑफिशियल तौर पर अपने फैंस को बताया कि नताशा से उनका तलाक हो गया है, जिसके बाद हार्दिक पांड्या के फैंस का दिल टूट गया। वहीं हार्दिक के फैंस नताशा को लालची, धोखेबाज और ना जाने क्या क्या कहकर जमकर ट्रोल कर रहे हैं। मगर दोस्तों, इन सब के बाद हार्दिक पांड्या की एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो एक खूबसूरत लड़की जिसका नाम प्राची सोलंकी है उसके साथ नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में हार्दिक पांड्या और ये लड़की एक ही कलर के ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं और दोनों काफी क्लोज तरीके से एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जैसे ही ये वीडियो फैंस के पास पहुंची तो फैंस इसको लेकर तरह तरह की बातें करने लगे, इस लड़की को भाभी कहकर भी बुलाने लगे। उनका मानना है कि हार्दिक पांड्या इस लड़की से शादी करने वाले हैं। दोनों के बीच अफेयर चल रहा है और ऐसी तमाम बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही हैं। हालांकि अभी तक हार्दिक पांड्या की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया कि वो कब तक और किससे दूसरी शादी करेंगे, लेकिन फैंस का मानना है कि हार्दिक इस लड़की से जल्द शादी करेंगे। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है, हार्दिक पांड्या को इस लड़की से शादी करनी चाहिए या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें।